दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक ल्यूमिनस का इन्वर्टर जिसका मॉडल नंबर है यूकोवाट 900VA। इसमें समस्या क्या है, ये पूरी तरीके से डेड है, यानी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी फॉल्ट को ठीक करेंगे। मैंने पिछले कई वीडियो बनाए जो कि इन्वर्टर डेड ही के वीडियो थे, तो इस टाइप का कोई वीडियो नहीं था यूकोवाट के, तो आज मैं इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से, उसके बाद बोल्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया है 12 बोल्ट से, और उसके बाद मल्टीमीटर को भी कनेक्ट कर लिया है। निगेटिव वायर जो कि मैंने बैटरी माइनस से जोड़ दी है, अब हम प्लस से इसके बोल्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 12 बोल्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे 12 बोल्ट आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसके जो डिस्प्ले एलईडी पैनल के लिए निकली होती है, डिस्प्ले आती है जहाँ से हमको एलईडी ब्लिंक का वो मिलता है, इंटीग्रेशन मिलता है, तो उस पर हम बोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे आपका 12 बोल्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। इस पर आपको बोल्ट सबसे पहले चेक करना है। अगर यहाँ पे आपके 12 बोल्ट आते हैं तो हमारी माइक्रो से संबंधित फॉल्ट हो सकते हैं। अगर जो 12 बोल्ट आपके नहीं आते तो आपको पीछे के पोर्शन में चेक करना है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा, तो यहाँ पे 12 वोल्ट हमारे नहीं मिल रहे हैं, यानी हमारा माइक्रो कंट्रोलर आईसी ठीक ही है, पीछे से कुछ फॉल्ट हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी वीडियो बनाए, यहाँ पे नॉर्मल किटों में 1 ओम की जो रेजिस्टेंस लगी होती है, तो इसमें भी सेम प्रोसेसिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगाई गई है जो कि 1 ओम की है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके बैक वाले लेग पे बोल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बोल्ट जो है 10 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो मल्टीमीटर के पिन को हम थोड़ा सा लूजिंग थी इसलिए 10 ही वोल्ट दिखा रहा, तो यहाँ पे 11.8 वोल्ट आ रहे हैं, यानी हमारा 12 वोल्ट यहाँ तो आ ही रहा है, उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पे भी आ रहा है। क्या करेंगे, आप दूसरे वाले पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपका 12 वोल्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस जो 1 ओम की हमारी लगाई गई है ये ओपन हो गई है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस बदलने से पहले आप अपने बोर्ड को अच्छी तरीके से चेक कर लें। यहाँ पे आपके दो कैपेसिटर जो कि 35 वोल्ट के होंगे, यहाँ पे ये भी ओपन हो जाएंगे उस सिचुएशन में, आप इसको भी चेक कर लें। आप उसके बाद रेजिस्टेंस लगाएं, नहीं तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस लगाओगे यहाँ पे आपके सर्किट में और दिक्कत आ जाएगी। आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको रेजिस्टेंस लगानी है, तो आप दूसरे कंपोनेंट को जरूर चेक कर लें, नहीं तो आप जैसे ही रेजिस्टेंस लगाओगे आपका आगे फॉल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर तब भी आपका सेट ऑन नहीं होता, तो यहाँ पे आपका एक रेगुलेटर आईसी 50-50 के लगाया गया है, ये वाली, ये 50-50 करके नंबर है इसका, ये जो कि रेगुलेटर आईसी है। अगर इसको 12 वोल्ट मिल रहे हैं और 5 वोल्ट अगर ये नहीं निकाल रहा है, तब भी आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा। तो आप उसको चेक करने के बाद अगर आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होता तो इसको चेक कर लें। अगर ये भी ओके होता है तो आप माइक्रो आईसी पे चेंज करके देख लें, क्योंकि माइक्रो आईसी के जो 5 वोल्ट यहाँ से निकलते हैं वो माइक्रो आईसी पे नहीं आते, तो माइक्रो आईसी आपकी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, मेरे पास एक इस टाइप की चिमटी है, मैं इसको शॉर्ट करके केवल चेक करने के लिए शॉर्ट कर रहा हूँ। आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको 1 ओम की ही रेजिस्टेंस लगानी है, क्योंकि फ्यूज बेस पे लगी होती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट किया, ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया। अब हमारा फॉल्ट एकदम क्लियर है कि ये हमारी जो 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी है यही ख़राब है, आगे कुछ फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले भी आ गया शायद, ये देखें
तो फॉल्ट हमारी केवल रेजिस्टेंस की ही थी। एक चीज आप यहाँ पे और चेक कर लें, यहाँ पे आपकी 1 ओम की एक और लगाई गई है, इसको भी आप चेक कर लें, ये भी ओपन हो जाएगी तब भी हमारा सेट ऑन नहीं होगा। इस पे भी 12 बोल्ट आने चाहिए। तो दोस्तों हमने इसको यहाँ से जो हमारा ये होता है रेजिस्टेंस 1 ओम की, यहाँ से हमने अभी चेंज नहीं किया, इसको शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपकी 1 ओम की एक और रेजिस्टेंस लगाई गई है, इस पे भी आपके 12 बोल्ट होने चाहिए। अगर उस सिचुएशन में वो रेजिस्टेंस सही होती है, ये भी ओपन हो जाएगी, तब भी हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप दोनों पॉइंट पे आप चेक कर लें, 12 बोल्ट आपके यहाँ पे होने चाहिए इस तरीके से, ये भी रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।